जिस फैसले ने आपका और मेरा सबके सामने तमाशा बना दिया, आपको क्या लगता है मुझे उस फैसले पर नाराज होने का भी हक नहीं है? यकीन जानो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना मैं ये फैसला कभी भी नहीं करती। तुम्हें नाराज होने का मौका नहीं देती मैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। अब हो गई हमारी मजबूरी खत्म, निकल आए हम मुश्किलात से। आपको क्या लगता है मामा, जिन अपनों ने हमें गैरों की तरह समझा, गैरों की तरह ट्रीट किया, ये गैर क्या हमें अपनों की तरह समझेंगे? मैं नईमा आंटी और वहाब अंकल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ शहरोज की। क्या आपने देखा नहीं कैसे उसके चेहरे पर हमारे लिए नफरत थी, कितना गुस्सा था हमारे लिए? सब देख रही हूँ मैं, जिस तरह इन नए रिश्तों को कबूल करने में तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है ना, तो शहरोज की भी यही कैफियत है, वो भी इसी मरहले से गुजर रहा है और अंदाजा हो गया है ना कि वो कितना जज्बाती है। बिल्कुल ठीक, आप ऐसे ही बेटा बेटा करके अंदाजा लगाती रहे कि वो कितना ठीक है या कितना गलत, और वो हमें हकारत भरी नजरों से दिखता रहेगा, ऐसे देखेगा कि जैसे हमारी कोई हैसियत नहीं। मत सोचो ऐसा, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त देना जरूरी है। जैसे नए घर में आकर, नए लोगों में आकर, नए रिश्तों में आकर हमारे दिलों में खदशात है ना, इसी तरह के खदशात इनके दिलों में भी होंगे कि कहीं हम उनके घर में आकर, उनकी जिंदगियों में आकर उनके लिए कोई मुश्किल या दुश्वारियां ना पैदा कर दें। ये हमारी नई जिंदगी है और रोशना, यही हकीकत है, हमें तस्लीम करना होगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो तरबियत मैंने तुम्हारी की है ना, उसका पास रखना। मैं तुम्हारा इतिहास जोड़ती हूँ, सबसे एहतराम से पेश आना, सबकी इज्जत करना। अगर नईमा और बाप साहब को तुम माँ बाप का दर्जा दोगी ना, तो हमारे लिए यहाँ पे एडजस्ट करना आसान होगा। कभी भी नहीं, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने बाबा की जगह कभी भी किसी और को दूंगी? वहाब अंकल आपके शौहर बन गए हैं, लेकिन मेरे बाबा, वो मेरे बाबा कभी नहीं बन सकते। मेरे बाबा सिर्फ एक ही थे और एक ही रहेंगे, वो है फुरकान अहमद। बस मुझे कहती जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।